हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मैस एनालिसिस। मैस एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैस एनालिसिस क्या होता है और किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैस एनालिसिस की मदद से हम बड़े से बड़े सर्किट का हम क्वेश्चन को हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक सर्किट है, इसके अंदर हमको ब्रांच करंट याद करनी है। हमारे पास इसमें दो ब्रांच दिया हुआ है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। इन दोनों ब्रांच में हमको अगर करंट निकालनी है तो हम किस प्रकार से आसानी से मैस एनालिसिस की मदद से हम इसमें करंट निकाल सकते हैं। तो पहले आपको मैं मैस एनालिसिस के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि मैस एनालिसिस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैस क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैस एक छोटा सर्किट लूप होता है, मतलब जिसके अंदर कोई और दूसरा सर्किट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक बंद मार्ग है, मतलब बंद सर्किट है, इस बंद सर्किट को हम मैस बोलेंगे, ठीक है। अब मैस क्या होता है, देखिए मैस एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो मैस एनालिसिस जो होता है वो KVL के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर ये काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी सर्किट में, हम लूप के अंदर, ये लूप जो दिख रहा है किसी भी मैश में, हम क्या करते हैं करंट को निकालने के लिए हम KVL का अप्लाई करते हैं। KVL का अप्लाई करना ही मैश एनालिसिस कहलाता है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, जैसे कि अगर हम बात करेंगे KVL का नियम क्या बोलता है, पहले आपको मैं छोटा सा एक थोड़ा सा समझा देता हूँ कि KVL क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर KVL की बात करें तो KVL क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि किसी भी बंद सर्किट में, ये एक बंद सर्किट है, बंद सर्किट का मतलब एक पूरा कंप्लीट मार्ग होना चाहिए, बंद सर्किट का मतलब एक कंप्लीट मार्ग होना चाहिए। तो एक बंद मार्ग है मतलब कंप्लीट सर्किट है, कंप्लीट सर्किट में या किसी को बोल सकते हैं बंद परिपथ में या बंद सर्किट में जो हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, उनका जो एल्जेब्रिक समेशन होता है, मान लीजिए E1 और E2, ये जो एल्जेब्रिक समेशन, या इसको हम लिख सकते हैं, ये एल्जेब्रिक जो समेशन होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इसके, इस सर्किट में जो भी एक रेजिस्टेंस लगे हैं, ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं या एलिमेंट लगे हैं, इनमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर होता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि IR, वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लिखते हैं, I into R लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसका भी क्या होता है, एल्जेब्रिक समेशन एक दूसरे के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहलाता है। देखिए, हमें अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = I into R। तो मतलब इसके अंदर फ्लो होने वाली, जैसे मान लीजिए इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है, यहाँ पर इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट और उसका जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल के जाता है, वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इस रेजिस्टेंस के अंदर। इसी प्रकार हम इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट और इसका रेजिस्टेंस लेंगे तो इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक समेशन होता है वो इन दोनों जो मतलब जितने भी सारे इसमें सोर्स लगे हुए उनका एल्जेब्रिक समेशन के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है। अब आपको मैं एनालिसिस के क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी छोटी बातें समझा देता हूं, जैसे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका ये एक सर्किट है, सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पर करंट देखिए इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो मतलब करंट कैसी जा रही है, इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो आपको याद रखना है कि जब भी करंट क्या हो रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की अगर करंट फ्लो हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है, तो हमको जो आगे वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल को हमको यहाँ पे वोल्टेज लेना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि करंट जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मतलब किधर जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्रॉस होकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है, तो हमको जो वोल्टेज लेना है वो कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। सेम अगर यहाँ पर अगर माइनस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही करंट कैसी हो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रही है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो हमको जो आगे वाला सिंबल है उसको हमको ले लेना, यहाँ पर प्लस वोल्टेज हमने भी ले लिया है। जैसे अगर रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो हमको इसको कैसे लेना है, यहाँ पर जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है और उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमको हमेशा नेगेटिव लेना है। तो आप मैथ एनालिसिस करो या किसी भी कोई भी सर्किट सॉल्व करो, हमेशा आपको ये चीज़ें आपको हमेशा उसी में अप्लाई करनी है। मतलब आपको ये एक बार याद रख लेना है, सेम आपको कुछ भी दिया हो, आपको बुक में कुछ भी दिया, लेकिन आपको हमेशा यही चीज़ें अप्लाई करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बता दिया किस प्रकार से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या हुआ है, ABCD एक पूरा एक सर्किट है। देखिए, ABDA ये एक हमारा मैश है, दूसरा मैश ये है, इस मैश में एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक यहाँ से ब्रांच है। तो इन ब्रांचेस के अंदर हमको करंट निकालने की, इस लूप के अंदर, इस मैश के अंदर कितनी करंट फ्लो रही है और इस मैश के अंदर कितनी करंट फ्लो रही है, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि मैश एनालिसिस हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों मैश है, इन दोनों मैश में हमने करंट का डायरेक्शन माना हुआ इस डायरेक्शन में। आप करंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में मानो दोनों,
तो भी आंसर सेम आएगा। आप अगर एक डायरेक्शन ये मानो और एक डायरेक्शन ये मानो तो भी आंसर सेम आएगा, या दोनों डायरेक्शन को अपोजिट मानो तो भी आंसर आपका सेम ही आना है, आंसर आपका कुछ चेंज नहीं होगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ पर चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, ये करंट की डायरेक्शन आपको नहीं दी रहेगी एग्जाम में तो कोई बात नहीं, आप करंट की डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, ठीक है। करंट का अपने अपने मैंने जैसे दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन मान लिया हूँ। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे इस लूप के अंदर करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है। इस लूप इस मैश के अंदर करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I2 का करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे कि ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर से करंट दो करंट फ्लो हो रही है, एक तो I1 यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है I1, और ये I2 है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आप देख सकते हो कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, कैसे करंट लेंगे, देखिए जब कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस दो करंट फ्लो हो रही है, एक डायरेक्शन ये दिया हुआ है एक डायरेक्शन ये दिया हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम जिस लूप जिस मैश में हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला मैश को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उसको पहले मान लेंगे। तो -I1 अगर दोनों अपोजिट है तो I1 -I2 इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, जैसे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो, तो हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2। आपको ये अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, दो मैश है, इसमें हम क्या करेंगे KVL को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ABDA ये हमारा मैश नंबर जो 1 है, इस मैश 1 में हम क्या करेंगे करंट को अप्लाई, इसका हम KVL को अप्लाई करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ जो अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर के जितने वोल्टेज सोर्स है जितना ड्रॉप है उसको हम जोड़ेंगे, हमने जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझाया था उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब हम करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस टाइप से चल रही है, तो देखिए कि करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर देखिए जो हम पहले वोल्टेज को लेते हैं तो वोल्टेज सोर्स को हम अगर कंसीडर करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो हो रही है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल आगे है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे +120, ठीक है +120 ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1। तो हमने बताया कि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव में लेना है, तो I1 इनटू कितना रेजिस्टेंस है इसका 40, हमने ये ले लिया वोल्टेज ड्रॉप। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप हमने माइनस लेना है, तो 20 इनटू हमने बताया कि इस अगर इसके अंदर हम अगर सर्किट को हम KVL अप्लाई किया तो हमको पहले करंट इसकी लेना है, तो हमने क्या किया I1 -I2। अब माइनस क्यों लिया, मैंने आपको बताया कि दोनों करेक्शन जैसी अपोजिट में है, इस करंट को हमको कंसिडर करना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बराबर कर देंगे, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है या और कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 120 -I, इसको हम लिख सकते हैं 14I1 40I1 -20I1 +20I2 = 0। आपको जो इक्वेशन है थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व करना है। देखिए आपको जो चिन्हों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस होता है आपको इतना तो समझ में आता है, आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद ये निकल के आएगा सिंपल सा 6। देखिए यहाँ पे 20I1 और ये 40I1 दोनों मिलाकर कितना हो गया 60I1 माइनस प्लस 20I2 इक्वल टू, अगर इस 120 को इधर से हम मिलकर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में था हमारा, ये प्लस में था, और ये माइनस 120 हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 16I1 माइनस 20I2 इक्वल टू 120, हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गया। इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 1 को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वाले मैश में जो हमारे पास यहाँ पर जो दिख रहा है सेकंड मैश, इसमें हम वोल्टेज अप्लाई KVL को हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो मैश सेकंड मैश है यहाँ पर, इसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास मैश क्या है, BCDB, ये एक मैश है, इसके अंदर हम KVL अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर हम KVL अप्लाई करते हैं, तो सेम हमको वैसे ही करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पुश करके रिवाइज करके आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप देखिए यहाँ पर जो I2 करंट फ्लो रही है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स लिया। देखिए करंट किस प्रकार से फ्लो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो रही है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो रही है तो हमको क्या करना है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर करंट फ्लो रही है तो हमको यहाँ पर क्या लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, -65
ठीक है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप जो हमने बोला हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है 20 इंटू, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले यहाँ पे I1 माइनस I2 लिया था, अब हमको हम इस सर्किट में हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको I2 माइनस I1 लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, I2 माइनस I1 करंट यहाँ पर हो जाएगी माइनस, क्योंकि हमारे पास सेम वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे हम लिखेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 40 I2, इसको अगर इक्वल टू जीरो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन, हम डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा इक्वेशन नंबर 20 I1 माइनस 80 I2 इक्वल टू 65, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 60 है, ठीक है यहाँ पे 60 है, थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा 60 था, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा I2 यहाँ ले 60। तो यहाँ पर देखिए ये जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर ये निकल के आएगी, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गई है, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन और 1 2 में दोनों ही इक्वेशन को हमको क्या करना है, देखो आपको तो आपने पढ़ा ही होगा 10th में, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। सबसे आसान मेथड क्या होती है कि हम दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन के हम या तो पहले वाले को बराबर कर लो या सेकंड वाले को बराबर कर सकते हैं, दोनों को अगर बराबर करके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हम अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम अगर माइनस मतलब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में 60 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं 60 I1 माइनस 20 I2 इक्वल टू 120, और इसको हम अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का तो क्या जाएगा, बीच में 60 I1 माइनस 240 I2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 195, है ना, ये अगर पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर सारे जो सिंबल है चिन्ह है जो वो बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस था ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और ये प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये हमारा कट जाएगा, और ये बचा हमारा क्या, ये हो जाएगा, देखिए नीचे वाला जो बड़ी संख्या इसमें प्लस का पॉजिटिव चिन्ह, इसमें प्लस ले लेंगे तो 220 I2 इक्वल टू माइनस 75, क्योंकि ये माइनस का है बड़ी संख्या, तो इसको हम माइनस ले लेंगे, माइनस दोनों देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इन दोनों में से घटा देंगे तो माइनस 75 बच रहा है, तो I2 इक्वल टू जो करंट निकल के आ रही है हमारी I2 माइनस 75 अपॉन 220, तो ये निकल के जाएगा हमारा -0.34 एम्पियर, ये हमारी करंट निकल कर यहाँ पर आ गई। तो हमने I1 निकाला, सेम अगर हम I2 निकाला हमने, तो I2 की मान कितना आ गया 0.34 एम्पियर, तो I2 हमारा जो आया है इसको हम अगर इस समीकरण 1 में अगर इसको हम क्या कर देंगे, I1 का I2 को मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, 60 I1 माइनस 20 I2 इक्वल टू 120, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, 1 था। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या रख दिया, अब I2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 60 I1 इक्वल टू सॉरी माइनस इसका हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो मैं नेगेटिव यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 × -0.34 इक्वल टू 120, ये हमारा निकल के जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो I1 निकल के आएगा 60 I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6.8 इज इक्वल टू 120, तो ये माइनस कर देंगे, इस साइड माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये I1 निकल के जाएगा, I1 इक्वल टू इसको हम करेंगे तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस करने पर ये निकल के आएगा 113.2/16, तो ये हमारा I1 करंट निकल के क्या आया, I1 करंट निकल के जाएगा 1.88 एम्पियर, हमारे पास I1 करंट भी आ गई, I2 करंट भी आ गई। अब देखिए इस सर्किट के अंतर्गत, इस सर्किट में देखिए हमारे पास I1 करंट कितनी निकल के आई है, I1 करंट हमारे पास निकल के आई थी -0.34 एम्पियर, और I2 करंट निकल के आई थी 1.88। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इस सर्किट, इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट कितनी है,
-0.34 एम्पियर और इस ब्रांच में करंट फ्लो होने वाली 1.88। अगर उसने पूछा कि 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो करंट ज़्यादा है वो करंट को हमको पहले लेना है। तो यहाँ पर दो करंट फ्लो हो रही थी I1 और I2, तो हम इसको क्या करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस है RAB के अंदर जो हम करंट निकालेंगे, IAB हम इसको मान लेते हैं कि ये वाले इसके अंदर करंट निकालेंगे, तो यहाँ से करंट निकलेगी I2 जो हमारे पास ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं I2 - I1। तो देखिए I2 की वैल्यू कितनी, 1.88 माइनस, ये पहले से माइनस थी, 0.34, तो ये निकल के आ जाएगी हमारी I2 इक्वल टू निकल के जो आएगी हमारी ये आ जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस होने के बाद हो जाएगी 2.22 एम्पियर। इस प्रकार से आप मैथ एनालिसिस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके आप बार बार इसको समझ जाएगा, आपको आसानी समझ जाएगा, बहुत अच्छी आसानी से है। अब कई लोग कहेंगे हमको ट्रिक आती है, देखिए ट्रिक तभी समझ में आएगी जब आपको बेसिक आना चाहिए, अगर कभी ट्रिक काम नहीं करती है तो किसी प्रकार से हमको बेसिक आना चाहिए, जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ एनालिसिस के बाद हम नोड एनालिसिस की बात करेंगे, उसका सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सभी थ्योरम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।